हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम फेयर एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो असाइनमेंट बनाते हो उसका पहला पेज कैसे बनाना है, मतलब कि TMA का जो हम फर्स्ट पेज बनाते हैं उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो मैंने ऐसे ही कुछ अट्रैक्टिव फर्स्ट पेज लाया हूँ जिसे आप प्रिंट आउट करके यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगा सबमिशन स्लिप के बारे में। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर लिख लेना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIO उसका फुल फॉर्म। फिर क्या करना है आपको, लिखना है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट TMA। फर्स्ट लिखना है आपको नेम, उसके बाद लिखना है आपको एनरोलमेंट नंबर, ये आपको आपके ID में मिल जाएगा। उसके बाद लिखना है क्लास, अगर आप 10 में हो तो 10th लिख देना, अगर आप 12 में हो तो 12 लिखना। उसके बाद लिखना है कोर्स, अगर आप 10 में हो तो लिखना सेकेंडरी, अगर 12 में हो तो सीनियर सेकेंडरी। ओके, अब क्या लिखना है सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो मैंने इंग्लिश लिखा है। अब लिखना है सब्जेक्ट कोड। ओके, तो जैसे कि इंग्लिश का 10th का कोड रहता है 202 और 12th का इंग्लिश कोड रहता है 302। अब लिखना है स्टडी सेंटर कोड, तो ये आपको आपके ID कार्ड में मिल जाएगा। अब लिखना है सेशन, अगर आप अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम दोगे तब आप लिखोगे 2021 से 2022 तक, ऐसे ही लिखना है। और मैंने कुछ, ये फर्स्ट पेज है, ये आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइंस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक अ चैनल, सब्सक्राइब अ चैनल, वीडियो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक। ये फ्रंट पेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ये सब फ्रंट पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही असाइनमेंट सबमिशन स्लिप, इसमें सिर्फ कुछ डिटेल फिल करना पड़ता है, जैसे कि AI नंबर, आपका स्टडी सेंटर नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, जिस सब्जेक्ट का TMA है उसका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, और जिस दिन जमा करना है उसका डेट, बस आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं।